गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपनी YouTube चैनल होम गार्डन पे दोस्तों, और एक छोटा सा वीडियो है, अपडेट वीडियो गोले दाउदी क्रस्थेमेसियस। और कुछ मेरे फ्रेंड ने क्वेरी की थी कि सर आपने पॉट में गोले दाउदी जो शिफ्ट किया था उसकी अपडेट डालिए, तो चलिए दोस्तों मैं एक छोटी सी अपडेट वीडियो बना देता हूँ उसकी, और आप उसे देखिए। लेकिन सबसे पहले आज के वीडियो का विचार, और वीडियो का विचार है दोस्तों, नसीरत बुरी न सूरत बुरी, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी। तो दोस्तों दिल को साफ रखें, नीयत को पाक रखें। तो चलिए ये देखिए, ये वही पॉट हैं, इनमें मैंने कैरंडोला शिफ्ट किए थे, आप देख रहे हैं, और ये फ्लावरिंग हो रही है इन पर काफ़ी अच्छी। लेकिन बात गुले दाउदी की कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और फ्लावर कुछ तोड़ भी लिए हैं बच्चों ने, और ये मैंने शिफ्ट की थी, आप देख पा रहे हो, और ये भी शिफ्ट है, और ये फ्लावरिंग देखिए आप, बहुत ही गजब फ्लावरिंग हो रही है इन पर। और कुछ नीचे से ये नई ब्रांचेस निकल रही हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे ये फ्लावर आपके सूखने लगे हैं, यहाँ से इन्हें कट कर देना है, तो फिर ये नया प्लांट इनमें से बन जाएगा, और बहुत अच्छी अगली साल अगले सीजन में इनसे फ्लावरिंग होगी। तो आप देखिए, हमने कुछ और छोटे प्लांट भी शिफ्ट किए थे, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये वो छोटे छोटे प्लांट हैं जो हमने अपने गिलास में से स्पॉट में रिपोर्टिंग की थी, और आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही गजब है, और बहुत छोटे प्लांट हैं। आप देखिए मुश्किल से एक फिट का भी प्लांट नहीं है, और फ्लावर इसका देखें आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो जो क्रस्थेमेसियम है ये, या गोले दाउदी, केयर के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है इसकी जो सॉइल है वो एज ए काफ़ी उर्वरक होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, नमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अगर नमी ख़त्म होगी तो जो फ्लावर है उसका कलर डाउन हो जाएगा और क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। तीसरी बात, उर्वरक शक्ति के लिए गोबर खाद का प्रयोग करें, DAP का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना पौधा केवल एक साल रखना चाहते हैं तो। अगर आपने ज़्यादा DAP का प्रयोग किया तो जनरली आपके जो पौधे की ब्रांच है नीचे सूखना शुरू हो जाएंगी, और वो हार्ड होकर टूट भी जाती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप DAP का प्रयोग करें, NAP या DAP का। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो फिर सड़क किनारे बहुत सारा गोबर मिल जाता है, उसे एकत्रित कीजिए और किसी पॉट में डाल दीजिए कुछ समय के लिए, एक दो महीने तक, और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, ये मैंने गुले दाउदी जो रिपोर्ट की थी उसकी अपडेट है, जो आपको मैंने रिपोर्ट किया है, और कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर ही डाल दिया जाए, तो आप देख लीजिए। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने जो सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा। तो थैंक्स, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए अपना YouTube चैनल होम गार्डन।